एक गरीब लड़की की कामयाबी की कहानी। एक गांव था। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में खाली दो ही लोग थे, एक लड़के और लड़की के पापा दो ही थे, पर उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही पहनने के लिए। वो लड़की के पापा घर घर पे जाकर कुछ खाना मांग कर लाते थे और फिर दोनों थोड़ा थोड़ा बांट कर खाते थे। उनके कपड़े काफ़ी गंदे थे, इसलिए जब भी वो खाना मांगने जाते तो लोग उनको दूर से खाना देते और कहते कि इनके पास जाने से कोई रोग हो सकता है। ये सारी बातें उन छोटी लड़की सुन रही थी। लोग ये भी कहते कि अगर किसी को रोग हो गया तो इस गांव में तो अस्पताल भी नहीं है, तो दवा लेने के लिए कहाँ जाएंगे। ऐसी बातें गांव के लोग कर रहे थे। लड़की बहुत उदास हो जाती थी ये सब बातें सुनकर, और वो अपने पापा को उदास नहीं देख सकती थी। कई बार तो कोई उनको खाना भी नहीं देता था। एक बार लड़की ने अपने पापा को कहा कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, और जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो वो इस अस्पताल में एक गांव में अस्पताल बनाएगी। ये बातें सुनकर उनके पापा बोले कि बेटा, डॉक्टर बनना और पढ़ाई करना हमारे बस की बात नहीं है। तभी लड़की ने कहा कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी। फिर दूसरे दिन से बिना कम काम करती और पैसा लाती। एक बार जा रही थी तभी एक भाई ने उसे कहा कि अगर तुम मेरे घर का संडा साफ रोज़ साफ करोगी तो तुम्हें रोज़ पैसा दूंगी। तभी लड़की ने संडा साफ करने लगी। फिर उसे कुछ पैसे मिलते, उनसे वो अपने लिए और पापा के लिए खाना लाती थी। फिर एक दिन वो गांव के सरकारी स्कूल की टीचर से मिली और फिर वो स्कूल जाने लगी। वो बहुत ही मेहनत करने लगी और वो अपनी मेहनत से हर क्लास में प्रथम आती थी। हर बार उनको अच्छे नंबर मिलते थे और वो बहुत ही खुश होती थी। उनके पापा भी बहुत खुश होते थे। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। वो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो आगे पढ़ाई करवाना चाहती थी। जिस स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती थी वो पैसे लेके और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती थी। उस दिन से उनके पापा टीचर के यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। टीचर के परिवार में से दो लोग बहुत ही बीमार हो गए। लड़की के पापा की भी तबीयत अच्छी नहीं थी। तभी उनको गांव के छोटे से अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहाँ अच्छी सुविधा नहीं मिल रही थी। तभी किसी ने आकर बताया कि बड़े शहर से बड़ी डॉक्टर मैडम आई हैं, वो सभी को ठीक कर देगी। तभी सब ने देखा तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि वो डॉक्टर और कोई नहीं, वो गरीब लड़की थी जो अपनी दिन रात की मेहनत से वो आज अपने सपने को साकार कर रही थी। उनका सपना साकार करने के लिए और अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए उसने मेहनत की थी और उसमें वो साकार हो गई थी। उसने सबको दवाई देकर ठीक कर दिया और एक गांव में एक अस्पताल खोला जो काफ़ी ही अच्छा और बड़ा था, जिसमें सब दर्द को अच्छे से ख्याल रखा जाता था सभी मरीजों का। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम कोई भी काम करें तो उसमें पूरी मेहनत से करें तो वो ज़रूर सफल होता है। हमारे अंदर कुछ पाने का आत्मविश्वास हो तो हम वो ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, हम उसे मजाक नहीं बनाना चाहिए।